गाजियाबाद के ट्रॉनिका थाना क्षेत्र में नोएडा पुलिस ने छापेमारी की। शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री को यहां चलाया जा रहा था। बड़े पैमाने पर अवैध शराब को बनाए जाने का गोरख धंधा यहां चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी में यहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब, इन्हें पैक करने का सामान और पैकिंग उपकरण की मशीनें बरामद की। और इस फैक्ट्री में नोएडा पुलिस ने रेड कर शराब के इस अवैध कारोबार से जुड़े 4 अपराधियों को भी मौके पर से गिरफ्तार किया। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली में यहां सवालों के घर में है, जिसकी नाक के नीचे बड़े पैमाने पर शराब की इस अवैध फैक्ट्री को चलाया जा रहा था और गाजियाबाद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग रही थी। अब गिरफ्तार बदमाशों से और पूछताछ पुलिस कर रही है। नोएडा पुलिस की गाजियाबाद में रेड शराब माफिया पर बड़ी रेड। 15,000 लीटर शराब हुई बरामद, 4 गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था लोनी में नकली शराब बनाने का गोरख धंधा। कहां सो रहा है गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन? जब नोएडा पुलिस ने यहां छापेमारी की तो ये चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। पूरी फैक्ट्री अवैध शराब की यहां चलाई जा रही थी। दरअसल नोएडा की सेक्टर 24 पुलिस ने ऑपरेशन येलो वाटर के तहत शराब के अवैध कारोबार से जुड़े कुछ अपराधियों को नोएडा में गिरफ्तार किया था और उन पकड़े गए अपराधियों से गाजियाबाद के लोनी ट्रॉनिका सिटी के पता चला कि जिसके बाद नोएडा पुलिस ने यहां पहुंचकर छापेमारी की। एक बड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री यहां चलाई जा रही थी। यहां से बड़े पैमाने पर बनी अधबनी अवैध शराब, उनके रैपर, पैकिंग मशीन पुलिस ने बरामद किए। शराब के इस गोरख धंधे से 4 लोगों को भी गिरफ्तार यहां से किया गया और अधिक पूछताछ पुलिस कर रही है। पटियाला जेल में बंद 10 लाख के इनामी बदमाश के इशारे पर चल रहे हैं ये शराब के इस गोरख धंधे को चलाए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहरी जांच और पूछताछ कर रही है। साफ है कि एक बड़ी सफलता नोएडा पुलिस को यहां मिली है। हालांकि अब गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह अवैध शराब का इस बड़े धंधे को यहां चलाया जा रहा था और शराब पैक करने के बाद गाजियाबाद और नोएडा में कई जगह यहां से अवैध शराब की सप्लाई भी होती जा रही थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। नोएडा पुलिस की आज की गई इस छापेमारी और मिली इस सफलता के बाद गाजियाबाद पुलिस की लापरवाही साफ इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। वहीं नकली शराब फैक्ट्री के मामले में मौके पर पहुंचे एसएसपी गाजियाबाद ने ट्रॉनिका सिटी थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज और बीट आरक्षी को सस्पेंड कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज, गाजियाबाद।